क्यों भाई, थोड़े लोग हो आज? थोड़े हैं ना, कितने टीचर्स काम में? चार। चलो एनी हो। चार तो चलो कोई बात नहीं, दे दें डस्टर, है कर दे दे। क्यों भाई, थक तो नहीं गए हो? है चलो, शाबाश, एक्टिव होके बैठना। सब लोगों ने एक्टिव सीधे होके बैठना पहले। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बेहतर बच्चे हैं। वो आप लोगों का टेस्ट हो गया कि नहीं? वो जो होना था नाफे का, नहीं हुआ अभी? चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा वो, इंशाल्लाह। ठीक है जी, बेसिक अली ना। बेसिकली नुसर साहब के होते हुए ना, बोलने का मार्जिन बहुत थोड़ा रह जाता है। ठीक है, मतलब उन्होंने इतनी सारी बातें बता देनी होती है ना, कि उसके बाद बोलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज है, शर्त ये है कि बेलॉस होके करें, बेलॉस होके, कोई बोझ हमारे ऊपर ना हो। कौन सा बोझ? ये इश्वाक अहमद कहते हैं, बोझ उतार के चलें। अब देखो, बोझ दो तरह के होते हैं। अननेसेसरी बोझ उठा के चलते हैं। कौन सा? गिलों का, शिकों का, शिकायतों का, फलां ने मुझे ऐसे कहा, उसने मुझे ऐसे कहा, ऐसे हो गया, जिद का, अना का, ठीक है, आपस में जेलेसी का, बुगज का, हसद का। वो कहते हैं जिन्होंने दूर जाना है ना, वो बोझ उतार के चले। टीचर ने दूर जाना होता है बेटा, ठीक है, टीचर से अल्लाह ने बड़े काम लेने होते हैं। ठीक है, तो टीचर ये सारे अननेसेसरी बोझ उतार के चले। क्यों? टीचर के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एजुकेटिंग द जनरेशंस और मेकिंग द जनरेशंस, जो अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाया है और जिस काम को अल्लाह के नबी ने पसंद किया है। ठीक है, तो ओवरऑल थकना नहीं है, ओवरऑल थकना नहीं है। हमारे जहन की अल्लाह ने इतनी बड़ी कैपेसिटी दी है कि अगर हम इसका सिर्फ 1% यूज करते हैं तो देन वी आर अ साइंटिस्ट। 1% इसका यूज कर दो आप तो देन यू पीपल आर अ साइंटिस्ट। तो करें इसको इस्तेमाल अल्लाह के बंदो, सारे लोग करें, सारे लोग करें। लेकिन देखो, जब काम बड़ा होता है ना, तो उसमें टीम वर्क ज्यादा चाहिए, उसमें कोऑपरेशन ज्यादा चाहिए, उसमें कोलैबोरेशन आपस में ज्यादा चाहिए, उसमें कोऑर्डिनेशन आपस में ज्यादा चाहिए। तो रोल मॉडल बने, कहानी बने, हर फील्ड में, हर शोबे में, चाहे आप अपनी फैमिली में हो, स्कूल में ही नहीं, फैमिली के अंदर भी आपने वही बनना है। ठीक है, जितना कर सकते हो उसका मैक्सिमम आउटपुट दें। बेसिकली बात हो रही है डिस्प्ले की, आउटपुट की, ठीक है, डिस्प्ले की या
आउटपुट के जो नजर आए, ठीक है। तो ये मुमकिन है, अल्लाह ने आप लोगों को सलाहियतें दी हैं और आपका स्कूल एरिया का बेहतर स्कूल है, लेकिन मज़ीद बेहतरी के चांसेस रखे हैं अल्लाह ने और यही नुसरत साहब चाहते हैं, ठीक है। अब देखो जो बंदा ऊपर बैठा होता है ना, उस पर टेंशन प्रेशर ज़्यादा होता है। टीन की छत देखी है, टीन की छत, ठीक है। जब बारिश होती है ना तो क्या होता है, उस पर पानी गिरता है, शोर होता है, और जो नीचे बैठे होते हैं वो बचे रहते हैं। तो जो बड़ा होता है ना उसकी पोजीशन ये होती है, टीन की छत वाली। सारी आंधियाँ, सारी बारिशें किससे आगे टकराती हैं, उस छत से टकराती हैं। हम लोग गुस्सा कर लेते हैं, मुझे झिड़क दिया, मुझे ऐसे कह दिया, मुझे ऐसे कह दिया, मुझे तैसे कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सिलसिला नहीं है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, इज्जत है, एहतराम है। अगर किसी को कुछ कभी कहा जाता है तो मतलब मकसद क्या होता है, चूँकि मकसद बड़ा है ज़िंदगी का, उस बड़े मकसद को अचीव करने के लिए आपको सिर्फ किस पे लाया जाता है, स्ट्रेट लाइन पे, सीधी लाइन पे। देखो मेरी बात सुन लो, आप लोगों ने आगे नस्लें चलानी हैं इंशाल्लाह, आप लोगों ने आगे नस्लों को लेके चलना है, आप लोगों ने फैमिलीज को लेके चलना है, ठीक है। आप लोगों ने इंशाल्लाह वो सारे आपके हाथों से निकलने हैं, तो ये बेसिकली आपकी बिफोर हैंड ट्रेनिंग है। बिफोर हैंड ट्रेनिंग मीन वक्त से पहले। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी और स्कूल में शाहकोट के ऐसा हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल, नहीं हो रहा। तो चीज़ों को पॉजिटिव लेके चले हमेशा, गिव योर मैक्सिमम, अपना मैक्सिमम दें और अल्लाह आपको आपका मैक्सिमम देगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन उसमें ये मद्देनजर रख के नहीं करें कि अल्लाह मुझे इसका रिवॉर्ड दे, बिल औस होकर चले, अल्लाह ने खुद ही देते चले जाना है। अब मैं बताता हूँ, मेरे पास ना बिकन ना उसके बच्चे आने शुरू हुए, ठीक है, मैट्रिक के, 9th 10th के, ठीक है। अब उनका वीक पॉइंट है बिकन वालों का क्या, उनका मैट्रिक सिस्टम वीक है, ठीक है, उनकी उर्दू वीक है, उनकी इंग्लिश डिक्टेशन ये वो सारी चीज़ें वीक हैं, उनका ओ लेवल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब वहाँ क्या हो रहा है, बच्चे फेल हुए बीच में से, ठीक है, उनमें से इत्तफाकन अल्लाह ने एक दो मेरे पास भेज दिए, ठीक है। मैं अपनी मर्ज़ी के पैसे चार्ज किए, मैं अपनी तरफ से बहुत चार्ज किए, वो थोड़े थे, ठीक है ना। मैं कहा जी मैं लेना 40-40 हज़ार ना, ठीक है, उन्होंने कहा जी ओके, उनके लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब वो क्या हुआ, वो 2 महीने बाद क्लास में जाके बच्चों ने बताना शुरू कर दिया कि हम क्या हैं, उन बच्चे फेल हुए हुए थे। फिर अल्लाह ने सारी तरफ शोर शराबा डलवा दिया कि ये फेल हो रही है, इसको शबाज के पास भेजो, अल्लाह एडवर्टाइजिंग कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, ये फेल हो रही है, इसको उसके पास भेज दो। उनको क्या है, स्कूल वालों को, उनको अपना लालच है किस चीज़ का, हमारा रिजल्ट बेहतर हो जाएगा, बात की समय लगती है। तो ये सारे अल्लाह ऐसे काम चलाता है, इन बेलॉस हो वो एक दफ़ा ना, बेलॉस हो, उस बोझ को उतार दो अल्लाह के बंदो, सारा वो जो बोझ अननेसेसरी उठाया हुआ है ना, उस बोझ को उतारो एक दफ़ा ना, ठीक। मैं अभी नुसर साहब को बता के आता हूँ कि SOS में मैंने जाना शुरू किया, उसमें मैं हफ्ते में 1-2 दिन ना घंटा घंटा, SOS क्या है, सेव आवर सोल्स, सेव आवर सोल्स, ये है SOS, कि हमारी सोल्स को बचाएं, ठीक है। और जब सोल्स को, रूहों को बचाना है, ठीक है, वो काम अल्लाह हमसे ले रहा है, वो काम उनसे ले रहा है। उसमें अगर कहीं गुस्सा आता है तो आप लोगों की तरफ से बिल्कुल उसको अब्जॉर्ब करो, उसको पेनिट्रेट करो, ठीक है। अच्छा, देन अब चूंकि उन्होंने पेपर घरों में भेजने हैं, मॉडल पेपर एक एक।
बिल्कुल बेहतर कॉपी, तो ये ठीक है, अच्छा है, अच्छा डिसीजन है ये। घर में जाएगा, हमारे ऊपर भी चेक एंड कंट्रोल रहेगा, हम भी सोच के बनाएंगे, विदाउट प्लानिंग नहीं चलेंगे, सोचेंगे कि बेहतर बनाना है, बेहतर बनाना है। ठीक है, एक बात होगी। फिर उसके बाद जो रिजल्ट है वो डे बाय डे जाना है। ठीक है, शाम को चले जाए सबके घरों में, मैं वहाँ करता हूँ, वहाँ मैं अकेला कर रहा हूँ, मैं फैसलाबाद में कर रहा हूँ, मैं देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये है ना, फॉर एग्जाम्पल थर्सडे 20th अक्टूबर, ठीक है, जो जो हमारे यहाँ हो रहा है डे बाय सेवन 3 अक्टूबर हर एक बच्चे का जाएगा, हर एक बच्चे का इंडिविजुअली जाएगा, और ये जाना चाहिए, रोज जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, उसमें शुरू में थोड़ी मुश्किल लगती है, जब हम लोग बैठे उसी काम के लिए हमारा टाइम लगता है। ठीक है, दो बच्चे फेल हुए हुए आए, वो कहते हैं हमने 9th का पढ़ना है। किस चीज़ का? 9th का। तो मैं कभी, मतलब मेरे पास तो टाइम नहीं निकलना। ठीक, आप लोग इस तरह करें, संडे वाले दिन आए आप लोग, उस दिन मेरे से 5 घंटे पढ़े। संडे वाले दिन आए, 8-9 बजे आए, 1:30-2 बजे चले जाएं। ठीक है जी, तो पूरे हफ्ते का हो जाया करेगा, और उन लोगों को इत्माद इतना है कि अल्लाह ने कर देना इंशाल्लाह, कर देना इंशाल्लाह। उस लेवल तक जाएं, उस पेनिट्रेशन तक जाएं, उस हिम्मत तक जाएं, उस जुर्रत तक जाएं, उस लेवल की रिवीजन करवा दें, अल्लाह ने खुद उसमें बरकत डाल देनी। अच्छा ठीक है जी, मॉडल पेपर हो गया, देन उसके बाद आपने बात कर दी, फोकस करना ज़रूरी है। फोकस करना किस चीज़ पे? रिवीजन जो आप लोगों ने करवानी है उसको कैसे लेके चलना है। ये बेसिकली सर अब्दुल्ला ने बोलना है इस पर। ठीक है जी, ये अब्दुल्ला को बुलाओ, आप ना किधर है, देखो किसी को भेजो है। अच्छा, देन खुद भी बीमारियों से बचना है। ठीक है, नुसरत साहब ने बात कर दी ना, बीमारियों से बचना है, खुद भी बचना है, अवॉइड करना है, और खुद भी थकना नहीं है, थकना नहीं है। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा इसमें। और बेसिकली सारा क्या दिया जा रहा है? दावत फिक्र। क्या है दावत फिक्र? दावत फिक्र मीन सोचने की दावत, कि सोचें क्या हम लोग अशरफुल मखलूकात हैं कि नहीं हैं। ये बड़ा लेवल है, अल्लाह ने हमें इतना बड़ा टाइटल दे दिया है, कौन सा? अशरफुल मखलूकात। ठीक है, वो हैं कि नहीं हैं। ठीक है, अगर मैं छोटी छोटी बातों में पढ़ूंगा, ठीक है ना, छोटी छोटी लड़ाइयों में पढ़ूंगा, वो जिद में अना में पढ़ूंगा, फिर वो टाइटल नहीं। और लिटिल थिंग्स अफेक्ट लिटिल माइंड्स, छोटी छोटी चीज़ें किसको मुतासर करती हैं? छोटे छोटे चीज़ें। ठीक, और मैं बड़ा मतलब खुश हूँ यहाँ पे ना, मेरी टीम पूरा मेरे साथ कोऑपरेट कर रही है, शुक्र अल्लाह का। सारे बच्चे बच्चे हैं मेरे लिए, सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है ना, और सारे लोग ही जैसे मैं कहता हूँ वैसे करते हैं, ऐसे ही है कि नहीं? करते हैं, शाबाश, करते हैं, सारे लोग ही करते हैं, शुक्र अल्लाह का। और इसको बेहतर करके लेके चला के चलाएं, आगे से आगे, आगे से आगे, इसको करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं। अब देखो, कोई भी दरख्त अपनी छांव खुद नहीं लेता, किसको देता है? दूसरों को देता है। कोई भी दरिया अपना पानी खुद नहीं पीता, किसको देता है? दूसरों को पिलाता है। ये अल्लाह के नबी ने हमें दर्श दिया है। ठीक, अगर हम लोग, अब दरख्त देखो ना, खुद सारी धूप ऊपर से बर्दाश्त करता है, नीचे बैठने वालों को इनकी डिवोशन कितनी है, इनकी डेडिकेशन कितनी है। लेकिन ओवरऑल आपकी टीम बेहतर टीम है जी,
बेहतर टीम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग खुद भी सारे बेहतर हो, कमिटेड होके लगे हुए, डिटरमिनेड होके लगे हुए, फोकस्ड होके लगे हुए, लेकिन उसका डिस्प्ले क्या, 3 के पेपर क्या, 4 के पेपर क्या है, बच्चों के लिए वो क्या आता है, उनके लिए ज़िंदगी मौत का मरला होता है। और बेसिकली बड़े कौन है, कौन बड़े हैं आपकी जिंदगी नज़र में? बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है। हाँ जी, वो बड़े होते हैं। वो कैसे? वो सिंपल होते हैं, वो इनोसेंट होते हैं, वो मासूम होते हैं। वो आपस में लड़ते हैं तो थोड़ी देर बाद उनको पता ही नहीं, सुला देते हैं, उनको पता ही नहीं, ठीक है ना, दोबारा फिर वैसे के वैसे। फिर उनको, उन्होंने कोई अपनी बात मनवानी हो तो कैसे मनवा लेते हैं? रो के अल्लाह के सामने रोते हैं, लेट जाते हैं। तो अल्लाह के सामने रोगो, दुआ भी करो कि अल्लाह ये जो 1.5 महीना है इसमें हमें कामयाब करना, हमारी इज्जतें रखना, ठीक है ना, हमारा रिजल्ट बेहतर कर देना, ठीक है, और हमारी आखिरत भी बेहतर कर देना। और फिर बच्चे खेलते हैं, किससे? को मट्टी से खेल रहा है, कोई इधर हाथ मार रहा है, कोई उधर मार रहा है, तो वो क्या याद दिलवाते हैं कि दुनिया मकामे फना है, यहाँ पे बका नहीं है। और बका सिर्फ उस वक़्त हो सकती है जब आप कोई बड़ा कारनामा सरंजाम देते हैं, अल्लाह आपसे कोई बड़ा कारनामा सरंजाम दिलवाता है और आप लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं, देन उस दिन आप लोग गए हो वहाँ पे फैसलाबाद में, सारी मज़ेदार शख्सियत है, कौन? हाँ, सराज अलग साहब, इनोसेंट पर्सन है, शक्ल देख के पता चलता है, अल्लाह ने मासूम पर्सन बनाया और उसके अंदर अल्लाह ने वो जज्बा, जुनून, डिवोशन, डेडिकेशन वो भरी है। तो बेसिकली जहां से जो चीज अच्छी मिलती है ना, उसको लेके चलो, उसको आगे बढ़ाओ। चले आएंगे, शाबाश, ठीक है। सर अब्दुल्ला ने बताना है आप लोगों को रिवीजन जो आप लोगों ने करवानी है ना, वो कैसे करनी है, आ जाए, शाबाश, ओके। ठीक है, बेसिकली सारी चीजें सीख सिखा के, ठीक है ना, और ये लर्निंग चलती रहती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन्होंने आगे टेक ओवर करना है। अब हम लोग तो थकना शुरू हो गए ना, ठीक है, लेकिन थकना हमने नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला बेहतर करे, आएंगे, ओके।